हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला आई एम सोनू दोस्तों मैंने परमपादम वेड़ट नाम का एक तमिल फिल्म देखा है हॉटस्टार पर दोस्तों आउटस्टैंडिंगली बोरिंग फिल्म है ये आउटस्टैंडिंगली बोरिंग महाभगवा स्टोरी लिखकर रखा है आई एम सरप्राइज एन एक्ट्रेस लाइक त्रिशा अग्रीड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म यार कुछ भी नहीं है फिल्म में नंबर वन इट इट इज इट इज मार्केटेड एज अ थ्रिलर बट दर इज एप्सोल्यूटली नथिंग थ्रिलिंग

और लकड़ी है तो लकड़ी है सलिया है सब कुछ है उनके पास और बीच में थ्रिशा हुई शी बिकम्स एन इलेक्ट्रिशियन भाई दो वायर को ऐसा निकाल के उसको ऐसा 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 करके उसमें से स्पार्क निकाल के ब्लास्ट कराती है यार और भाग जाती है वहां से कुछ भी दिखा रहा है कुछ भी और इसमें द होल कॉन्सेप्ट इज मैं क्या बोलू यार इट इज चाइल्डिश राइटिंग चाइल्डिश राइटिंग और इसमें एक पर्टिकुलर एविडेंस के लिए इसको यू नो हॉस्टेज बनाती है इसको किडनेप करता है

कुछ भी चल रहा था यार तमिल इतना अच्छा फिल्म बनाते हैं आप लोग बीच बीच में ये क्या दे रहे हो आप दिस इज तो नाइनटीन नाइनटीज एटीज में भी ऐसा फिल्म नहीं बनता था यार आई एम सरप्राइज हॉटस्टार ब्रॉड सच अ प्रोडक्ट यार एंड इट इज बीमिंग सच सच फिल्म फॉर पेड सब्सक्राइबर्स लाइक माई सेल्फ वी डोंट वॉन्ट टू सी सच कॉन्टेंट बिकॉज इट इज डाउन राइट रिडिकुलर सिली एंड एब्सोल्यूटली प्लेन बोरिंग और एक्शन एक्शन के नाम पे कुछ भी चल रहा था और एक्शन करने के लिए एक भाई साहब हीरो बन के आता है एक आइटम नंबर के बाद अरे कहा से आपका एंट्री हुआ क्यों आया और क्यों एक्शन कर रहा है क्या कर रहा है अरे इट इज सो सो अनकन्विंसिंग टू वॉच हाईली अनकन्विंसिंग एंड एक्शन इज वेरी बैड वेरी वेरी बैड और क्लाइमैक्स में जो प्रेडिक्टेबल चीज है जो जिसके बारे में मैं बोल रहा था यार सबको मालूम है क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला और जो इसमें एक विलन है द सो कॉल्ड विलन आंख में हमेशा ऐसा ऐसा ड्रॉप्स डालता है और चश्मा पहन के घूमता है सिर्फ एक चीज इसमें आपको इंफॉर्मेशन एक ही चीज मिलता है इसमें अक्रमोटॉप्सिया करके एक कलर uh, ब्लाइंडनेस के बारे में आपको ये वो जो टर्म है वो आपको मालूम पड़ेगा वो ज्यादा किसी को मालूम नहीं है बस दैट से दैट इज द ओनली थिंग दैट यू लर्न फ्रॉम दिस फिल्म अदरवाइज दिस फिल्म इज वेरी वेरी बोरिंग महाबोरिंग है बिलो एवरेज बोरिंग और परफॉर्मेंस की बात करें त्रिशा वॉज वेरी एवरेज सभी लोगों ने एवरेज टू बिलो एवरेज परफॉर्मेंस दिया सिर्फ वो बच्ची जो है उन्होंने टॉप क्लास परफॉर्मेंस दिया है दैट गर्ल इज दी ओनली शाइनिंग लाइट द ओनली शाइन सिल्वर लाइनिंग इन दिस एंटायर फिल्म अदरवाइज यार इट्स अ फेल्ड एंटरप्राइज आई एम गोइंग विद आर्यभ्ट एंड आनंदेवरेट नंबर जीरो फॉर दिस फिल्म अगर आप लोग देखोगे ये फिल्म तो मुझे बताना ना आपको ये फिल्म कैसे लगा दोस्तों ये फिल्म देखने से अच्छा अगर आपके घर पे स्नेक एंड लैडर्स है ना वो खेलो यार वो ज्यादा टाइम पास है एंटरटेनिंग है एंगेजिंग है दैट्स इट फ्रॉम मी टाटा